हाय हाय शख्स हेलो हेलो ये है हमारा दिल हेलो दिल जब खुश होता है तो उछलने लगता है I like it. जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है जब ये आइसक्रीम देखता है तो ये जिद्दी बन जाता है और जब किसी लड़की को देखता है तो मचलने लग जाता है यहाँ तो तीन लड़कियां हैं और मचलना चाहिए और जब किसी को रूठा हुआ देखता है तो इमोशनल हो जाता है पर आखिरकार है तो ये दिल ना और दिल के पास दिमाग नहीं होता और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है क्योंकि ये जो महसूस करता है वो बयान नहीं कर पाता स्मार्ट वेरी क्यूट मैं रजत जैन मैं नितिन चंदोला मैं सौरभ बडोला मैं सबित रावत हम हिमालय की गोद उत्तराखंड देहरादून से आए हैं वी आर सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं चार में से एक मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ECG जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था जो कि आज भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है सही समय पर ECG ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जाने गवा देते हैं तो सोचिए शाक अगर सही समय पर हम ECG उपलब्ध कर पाएं और इजीली उपलब्ध कर पाएं तो कितनी जाने हम बचा पाएंगे और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है बहुत ही छोटा है स्पंदन एक पॉकेट साइज ECG डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है कहीं भी बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ECG कर सकता है Amazing. ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे हम घर पे BP शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं शाक हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एबनॉर्मलिटी को शाक हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोस्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो शार्क्स हम 1 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आए हैं फॉर 2% ऑफ द कंपनी और हम चाहते हैं कि आप इस नोबल कॉज में हमारा हिस्सा बने क्योंकि है अपना दिल जो आवारा न जाने किस पे आएगा क्या बात है नाइस टीम सनफॉक्स बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी शुक्रिया अब आप प्लीज डेमो दिखाइए तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से ये आपसे परमिशन लेगा आपको बस दो बार ओके करना होता है तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है ग्रीन इज द सिग्नल तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं लीड टू इज फॉर अरिथमिया स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पज से जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ECG तो ये आपका पोजीशन है अभी हम लीड टू ECG टेस्ट ले रहे हैं जैसे जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं ओनली 3 चेस्ट लीड आर रिक्वायर्ड ठीक है ये तो आसान है यस रेड वाला राइट पे है ग्रीन वाला लेफ्ट पे है येलो वाला लोअर लिम में एंड आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ECG यहां पे रिकॉर्ड होगा सो दिस इज हाउ योर ECG इज रिकॉर्ड तो ये आपका ग्राफ आ गया Your heart rate is fantastic. Yes. So green safe है. Yes. Yellow borderline है. Okay. Red is abnormal. अगर red पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ abnormality है. You have to go to doctor या फिर further test लेना पड़ेगा. आपका heart rate 108 है. हाँ. आप nervous हैं? I'm a bit excited about this. Excited है. मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि इससे पहले आप क्या करते थे? कब शुरू किया आपने ये? इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और मोर देन 87% गाँव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन है अभी पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी हर जगह नहीं पहुंची हैं मैं खुद एक गांव में पला बड़ा हूँ मैंने अपनी पूरी लाइफ देखा है कि लोग हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से अल्टीमेटली मर ही जाता है क्योंकि जब तक वो एक फैसिलिटी तक पहुँचते हैं तो वो बहुत लेट हो चुका होता है उस केस में डॉक्टर्स भी मदद नहीं कर पाते और इसीलिए हम लोग ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिसमें कि हम एक्चुअली मेडिकल डिवाइसेस को बना पाए सस्ते में सही टाइम पे लोगों को पहुंचा पाए तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में सनफॉक्स शुरुआत की जब हम लोग
लोगों ने कंपनी शुरू की जब स्टार्टअप करना कूल नहीं था। दूसरा रिसोर्सेज, हम लोग डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोगों को रिसोर्सेज भी बनाने थे और यू नो प्रोडक्ट भी बनाना था। बट जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टिल लास्ट, जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद मेरे फादर थे कि ठीक है अगर घर भी बेचना पड़ा तो मैं घर बेच दूंगा, बट जो तुम करना चाहते हो करो। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो। हम लोगों का विजन यही है कि इस देश में इस दुनिया में एक भी मौत मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आई फाइंड दिस टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इसमें रिसर्च आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट, टॉप मेडिकल फील्ड बिजनेस पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्या तोड़ निकाल लिया आपने कि और कोई दुनिया में नहीं कर पाया है? अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं हुए हैं। अगर ईसीजी मशीन्स की मैं बात करूं, पोर्टेबल सेगमेंट है, आपको 10, 15, 20 मशीनें मिल जाएंगी। हम लोगों ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जो इसको कॉम्प्लिकेट करता हो। हम लोगों का सिंपल फंडा है, जिसकी जरूरत नहीं है हटा दो, वो आपको कॉस्ट भी नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं करेगा और अनवांटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा। अगर मैं डिवाइस की बात करता हूँ, कोई बैटरी तक नहीं लगी है, कोई रेडिएशन नहीं है किसी भी तरह का, किसी तरह का नॉइज नहीं आता है, इवन देयर इज नॉट अ सिंगल बटन। तो आइडिया यही था कि जैसे आप घर पे थर्मोमीटर यूज करते हैं, भले ही आपको डिजीनेस फील हो रही है, आपको लगता है फीवर है या नहीं, बट आप सबसे पहले क्या करते हैं, थर्मोमीटर उठाते हैं, लगा के देखते हैं बुखार तो नहीं है, क्योंकि आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है। वाओ, मुझे अभी बताइए 99.7% जो आप एक्यूरेसी कह रहे हैं, क्या कोई और डिवाइस ग्लोबली है जो इतनी एक्यूरेसी अचीव कर रहा है? मोस्टली नहीं। इस 12 लीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्यूरेसी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन्स हैं, जो मोस्ट ट्रस्टेड मशीन जिनको हम लोग एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीट करते हैं, हम लोगों ने 10,000 पेशेंट्स को उस मशीन के साथ और हमारी मशीन के साथ सेम टाइम पे कंपेयर किया, सेम टेस्ट को, एंड देन उसके बेसिस पे उस डिजिटल डेटा को कंपेयर करके हम लोगों ने ये बताया कि हमारा डिवाइस का जो डेटा है वो कितना क्लोज है उस डेटा के। डिवाइसेस देख सकते हैं क्या प्लीज? यस प्लीज। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अभी मेरे फादर को कोविड हुआ था, काफ़ी सीरियस कोविड हुआ था, उनका ईसीजी चेक करना पड़ता था हमें रेगुलरली और बाहर भी नहीं जाना जाते थे, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कि मुझे पोर्टेबल ईसीजी चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैंने कुछ भी इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे कहीं कोई ऐड नहीं दिखा, मेरे को खाली यूएस में एक स्टार्टअप दिखी जो इस पर काम कर रही है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। मैंने उनके फाउंडर्स को भी लिखा लिंक्डइन पे, तो उन्होंने कहा भी वो डिवाइस इंडिया में नहीं दे रहे, मुझे कहीं स्पंदन दिखा नहीं इंटरनेट पे, नहीं तो मैं तो ये खरीद लेता डिवाइस। स्पंदन अमेज़न पे भी अवेलेबल है, ई फार्मेसीज की अगर बात करें 1MG पे अवेलेबल है, हमारी अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारी जितनी सेल्स ड्राइव होती है हमारी अपनी वेबसाइट के थ्रू मोस्टली ड्राइव होती है। मुझे एक बहुत ही पर्सनल एपिसोड याद आया, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत इमोशनल है। कुछ साल पहले मैंने अपने मामा जी, वन ऑफ माई मामूज, आई लॉस्ट हिम इसी वजह से कि हार्ट रेट जो है ज़्यादा था, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी, एंड जबकि वो मेरे को लगता है 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए, बट एग्जैक्टली यही लाइन डॉक्टर्स ने बोली कि थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो शायद हम उनको बचा पाते। तो आई मीन इट्स जस्ट वेरी क्लोज, जब आपके किसी अपने बहुत करीबी यू नो फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट गजल, आई एम श्योर इट वॉज एन ईजी फॉर यू, एंड दैट जस्ट शोज के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कंट्री में। सो आई थिंक फर्स्टली वी शुड ऑल कॉन्ग्रेचुलेट देम। या सेल्स क्या है? सेल्स, हम लोगों ने कोविड फर्स्ट वेव के जस्ट पहले जनवरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और 12-13 मंथ ऑपरेट करने के बाद हम लोगों ने 1.2 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। हमारा जो ऑनलाइन सेल्स हम लोग जो करते हैं उससे लगभग 5 लाख का तो फिक्स अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू आता है। और ये कॉस्ट क्या है आपके एक डिवाइस का?
जीपी को क्या कॉस्ट पड़ता है? हम लोग अभी 8,000 रुपए का वन टाइम कॉस्ट करते हैं, उसके बाद कोई रिकरिंग उसमें जीपी के लिए नहीं होता है। दो हमारे पास अदर मॉडल्स भी हैं, जैसे कि मैं इंटीग्रेशंस की बात करता हूँ, उसमें हम लोग डिवाइसेस फ्री लगाते हैं, पेपर यूज चार्ज करते हैं। तो आप पेपर यूज कितना चार्ज करते हैं? सो पेपर यूज बेसिकली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। सो इट कैन बी एज लो एज 2 रुपीज पर ईसीजी, कैन बी एज हाई एज 20 रुपीज पर ईसीजी। ये बिजनेस जहाँ तक मैं समझता हूँ मेडिकल बिजनेस किस हिसाब से चलता है? डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या कॉस्ट पे होता है हॉस्पिटल? 300 रुपए एवरेज पर टेस्ट। तो अगर आप ये कमीशन स्ट्रक्चर खत्म कर दोगे तो आप तो इंसेंटिव ले जा रहे हो डॉक्टर्स का टू वर्क विद दिस डिवाइस, क्योंकि आज डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स मेक मनी बाय डूइंग मोर एंड मोर टेस्ट्स। आप अगर एक ऐसा डिवाइस दे दोगे जिससे वो पैसे नहीं बने तो आप वो इंसेंटिव और बिहेवियर चेंज कैसे करेंगे? सर इस केस में एक चीज क्या है कि हम लोग एक्चुअली डॉक्टर्स के पास फुटफॉल बढ़ा रहे हैं। Exactly. क्योंकि जैसे कि आप ब्लड ग्लूकोमीटर्स का केस ले सकते हैं बेंचमार्किंग के लिए, जो डायबिटीज पेशेंट की जिनकी हम लोग आज बात कर रहे हैं डायग्नोस जितने हो रहे हैं पहले आज के कंपेयर में बहुत कम होते थे। आज ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से क्या है कि हर कोई ब्लड ग्लूकोज चेक कर ले रहा है, और चेक करने के बाद पेशेंट खुद तो दवाई नहीं खाता है ना, अल्टीमेटली जाते किसके पास है? डॉक्टर के पास। अगर पेशेंट को एक्सेसिबिलिटी है तो जाएंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए डॉक्टर के ही पास। अंडरस्टूड। आप में किसी ने इन्वेस्टमेंट या कोई ग्रांट दिया हुआ है? Yes. What is हम it? लोगों ने डीएसटी से ग्रांट लिया है कोविड इनोवेशन के लिए। किससे? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों को बायरेक से सपोर्ट मिला है। बायरेक, करेक्ट। Yes. कितना मिला इन दोनों से? 50 लाख के आसपास। और इक्विटी लिया है उन्होंने कि जस्ट अ प्योर ग्रांट? इट्स अ प्योर ग्रांट। हम लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। क्या वैल्यूएशन पे? हम लोगों का जो वैल्यूएशन था लास्ट पोस्ट मनी 18.5 करोड़। आपकी शेयर होल्डिंग क्या है और सीईओ कौन है? मैं फाउंडर और सीईओ हूं। हम लोग दो प्रमोटर्स हैं, मेरे दूसरे प्रमोटर यहां पे नहीं है। तो अभी करंट होल्डिंग में मैं 36% होल्ड करता हूं, दूसरे प्रमोटर 34। उनका रोल क्या है? ही इज अ सीएफओ। मेरी टेक टीम एंड बिजनेस टीम, 10% पूल है टीम के पास, एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी गोज टू द इन्वेस्टर्स। आपने दुनिया बदलने वाला आविष्कार किया है, तो पिछले 2 साल से जब आपको इसका तोड़ मिल गया, आपकी सोल्यूशन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बराबर हो गई, व्हाई हैवंट पीपल जंप्ड ऑन दिस? इंडिया में इतनी लिक्विडिटी कभी नहीं रही। ये तो 2 साल हम लोगों ने स्पेंड किया है, रेगुलेटरी हम लोगों को करना था, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग करना था, मैन्युफैक्चरेबल डिजाइन रेडी करना था। टेक्नोलॉजी बनाना एक जगह है, उसके बाद उसको बेचने लायक बनाना, बनाने लायक अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करना, वो हम लोगों को काम करना है। हम लोग एक देहरादून जैसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे हम लोग अपना इकोसिस्टम भी बिल्ड करते हैं, ये भी बिल्ड करते हैं, और उसके बाद दुनिया को जाके दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ड। और उसको करते ही हम लोगों ने इसी साल के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ, एंजल भी इसी साल किया, ये जो राउंड की मैं बात कर रहा हूँ ये भी इसी साल किया, एंड हम चाहते हैं कि शाख भी हम इसी साल करें। अभी हम मिलके आपको 5 एक ऑफर देने वाले हैं, उससे पहले अनुपम आप इन है? मुझे आप एक चीज बताइए कि आप शार्क टैंक में क्या लेने आए हैं पैसे के अलावा? पैसे के अलावा डेफिनेटली 3 करोड़ ले लिया, 1 करोड़ से और क्या हो जाएगा? वी हैव ऑल द बिग नेम्स हियर फॉर D2C, फॉर फार्मास्यूटिकल्स वी हैव क्वीन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हियर। सॉरी फॉर दैट, क्वीन ऑफ फार्मा वी हैव हियर। एंड देन एक्सेस, जिन लोगों को हमें बेचना है उन लोगों की एक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। हम आपको सारे मिलके एक ऑफर दे रहे हैं, ये बहुत कम होता है शार्क टैंक में, और हम बहुत ज्यादा इक्विटी भी नहीं लेना चाहते बिकॉज आपने राउंड रेज किया है। तो आपने 1 करोड़ मांगा था 2% के लिए, आपने अभी एक ऑलरेडी कैपिटल राउंड रेज किया है। अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें और बाकी सारे शार्क्स का टाइम इंक्लूड करें तो लगभग 6% आता है, ठीक है? तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं 1 करोड़ फर्स्ट 6%, ऑल 5 शार्क्स इंक्लूडेड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है। डिवाइड हो जाएगा सब में इक्वल अमाउंट, 20-20 लाख 5 शार्क्स में, और 6% को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1.2% ईच। आप अगर आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लीज आपने अपने पार्टनर को फोन करना चाहते हैं। हमारा ये ऑफर जो है नॉन नेगोशिएबल डिस्कस करने के लिए है, टू बी ऑनेस्ट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। हां जी, प्लीज प्लीज जाइए। थैंक यू। अह
वी कैन नॉट डिसऑनर द प्रीवियस इन्वेस्टर्स. अगर ये टेक्नोलॉजी ड्यूल डिलिजेंस में पास हो गया, डू यू रियलाइज द नंबर ऑफ डिवाइसेस वी कैन सेल जस्ट थ्रू एमक्यू? इट विल बी मैसिव. वेलकम बैक. इतनी मायूसी. खुश है कि दुखी है? समझ में नहीं आ रहा. खुश है. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. बट हम लोगों को एक इसमें कंसर्न है कि जो हमारे प्रीवियस राउंड के इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम लोग इस ऑफर के साथ जाते हैं तो उनकी वैल्यूएशन को हम लोग डिसऑनर कर रहे हैं. उनको हम हैंडल कर लेंगे, आप भूल जाओ. आप 1-2 करोड़ के लिए हमें रिजेक्ट करोगे? तो आप इतना सोच क्या रहे? इट्स अ फैबुलस डील. 10% देना था. अनुपम तो इतना गुस्सा हुए हम पे जब आप बाहर गए कि 6 क्यों दिया. चलिए बताइए. तो डील पक्की. चेक बना ले. चेक मेरा तो रेडी है. अरे वाह. रियलिटी बात बताऊं मैं आप लोगों को, मैं इनको 1 करोड़ रुपए 5% 4% 3% कहीं पे भी देने के लिए रेडी था. ओहो.